वैज्ञानिक भी आए। राजा अकबर ने परीक्षा ली थी, आज से करीब 500 वर्ष पहले की बात है। राजा अकबर ने इन ज्योतियों के ऊपर मोटे मोटे लोहे के तोहे जड़वा दिए, वो भी भस्म हो गए, कुछ दिनों के बाद राख हो गए। फिर भी राजा अकबर का मन नहीं माना। राजा अकबर सोचने लगे, ये अग्नि है, अग्नि लोहे को भस्म कर सकती है, मामूली बात है, मैं इन ज्योतियों को पानी से बुझा सकता हूँ, अग्नि और पानी का कोई संबंध नहीं। राजा अकबर ने इन ज्योतियों को बुझाने के लिए यहाँ से तेजदा मंदिर पहाड़ी में जाकर के 2 किलोमीटर ऊपर, वहां पर कुदरती पानी निकलता है, उस पानी को एक छोटी सी नहर बनाकर नीचे ज्योति कुंड तक लेके आए थे और ज्योति कुंड को लगातार पानी से भरते गए। जब ज्योति कुंड पानी से भर गया तो ज्वाला माता ने सैकड़ों के बजाय हजारों ज्योतियों के रूप में पानी में तैरते हुए राजा अकबर को दर्शन दे दिए। राजा अकबर ने इन ज्योतियों को देवी रूप मान लिया। राजा अकबर का अहंकार चूर हुआ। राजा अकबर ने माता से मन्नत मांगी तो मन्नत पूरा होने पर राजा अकबर नंगे पांव यहां आए और माता के लिए 125 सोने का छत्र भेंट लेके आए। लेकिन उस भेंट को चढ़ाते समय राजा अकबर के मन में घमंड आ गया, अभिमान आ गया कि मैं मुसलमान होके हिंदू धर्म में इतनी बड़ी भेंट चढ़ा रहा हूँ, 125 सोना चढ़ा रहा हूँ, आज तक इतनी बड़ी भेंट ना किसने चढ़ाई है, ना कोई चढ़ा पाएगा। जब राजा अकबर के मन में ऐसा घमंड आ गया तो माता रानी ने उस भेंट को अस्वीकार किया, उस छतर को शक्ति से काले रंग का कर दिया, किसी एक धातु का भी नहीं छोड़ा। आज भी ज्वाला ज्योतियां भक्तों दूध पानी लस्सी में दर्शन देती हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए दर्शन देती है माता। माँ से प्रार्थना करना सभी, माता का ध्यान लगाना, आप सभी दर्शन करेंगे, ये ज्योत आएगी माता की लोटे के अंदर, जल के अंदर। बोलिए ज्वाला मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, हे माई मेरी सचिया ज्योता वाली माता, तुम्हारी सदा ही जय, सब दे भंडार भरने वाली माता, तुम्हारी सदा ही जय। बोलिए ज्वाला मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, सब दे मनोकामना पूरी करने वाली माता, तेरी सदा ही जय। ये माता का चरणामृत है, इस चरणामृत को पीने से रोग दोष कष्ट दूर होते हैं। पीछे रखिए, बैठे रहिए सभी, पीछे हटकर बैठे रहिए, ऐसे माता का ध्यान लगाइए सभी, माँ से प्रार्थना करिए। अकाल मृत्युहरणं सर्वे पापशोकाद् विनाशनं ज्वाला पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। माँ का ध्यान लगा लीजिए, माता से प्रार्थना कर लीजिए, जो कामना करनी से भक्तों माँ से करिए। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले सर्व व्यापनी भे ज्वाला ज्वाला देवे नमो नमः। पाप हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राही माम सर्व देवी सर्व पापो हरो भव। विद्या समस्ता सब देवी वेदा सिया समस्ता सकला जगत्सु तया कया पूरितं वेतत काते स्तुति सभ्य परा परोक्ति सर्व सब रूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते। वे व्यासराही नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्वाला रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। बोलिए ज्वाला मैया की जय, महालक्ष्मी माता की जय, जय भगवती ममाया ज्वाला माता जी। आपकी शरण में ये भक्त जो जो निवेदन लेके आए, अरदास लेके आए, भक्तों की मनोकामना पूरी करना, अपना आशीर्वाद इन भक्तों के ऊपर माता बनाए रखना, इन भक्तों के अंग संग रहना माता रानी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना इन भक्तों के ऊपर, जाने अनजाने में इन भक्तों के द्वारा कोई पुल चुको माता क्षमा याचना प्रदान करना और इन भक्तों को रोग दोष कष्टों से मुक्त करना। माता जी जय, झुक करके प्रणाम करते जाना, माथा टेक करके परिक्रमा करते जाना, जय माता।